नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 1 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आरआरबी एनटीपीसी के लिए बिहार में ही परीक्षा केंद्र बनाने के लिए लिखा गया पत्र। चावल और गेहूं वितरण में बिहार के इस जिले ने मारी बाजी। आज से इन नियमों में हो जाएंगे बदलाव। इस महीने के अंत तक बिहार के कई जिलों में मिलेंगे 10 रुपए में CFL बल्ब। अप्रैल में ही बन सकती है प्री मानसून की परिस्थिति। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 12वीं पास युवाओं को नीतीश सरकार देगी हर महीने 1,000 रुपए। बिहार के इंटर पास युवाओं के लिए अहम सूचना। नीतीश सरकार ने 12वीं पास युवाओं को सहायता भत्ता देने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर तैयारी बिहार में शुरू हो चुकी है। खबरों की माने तो योजना एवं विकास विभाग की तरफ से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 साल के लिए विस्तार किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद बिहार सरकार इस योजना के अंतर्गत उन युवकों को लाभ देने वाली है जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच की है। इस उम्र के वैसे युवक जो 12वीं उत्तीर्ण कर बेरोजगार ही और रोजगार की तलाश कर रहे हैं। समस्तीपुर धाम के विद्यापति स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विद्यापति नगर प्रखंड के विद्यापति धाम परिसर एक ऐसा स्थल है जहां भगवान और भक्त दोनों की पूजा की जाती है। विद्यापति धाम में उगना महादेव मंदिर, विद्यापति स्मारक आदि के दर्शन आप कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकवि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके यहां उगना नाम से सेवक बनकर आए थे। कालांतर में जब एक दिन उगना अचानक गायब हो गए तो विद्यापति उनकी तलाश में विद्यापति धाम तक जा पहुंचे थे। कहा जाता है माँ गंगा ने भी महाकवि की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें दर्शन दिया था। आज से नियमों में हो जाएंगे बदलाव। आज से अप्रैल महीने की शुरुआत हो गई है, वहीं आज से इन नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिसके तहत आज से 45 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगेगी। आज से 7 बैंकों के विलय के बाद ग्राहकों का चेकबुक पासबुक बदल जाएगा। बिहार में बिजली की दर में वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ ही आज से सरकार ने अब वाहनों की आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही अब 1 अप्रैल से टीवी, एसी और स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। आज से मिनरल वाटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BSI का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। आज से PF के नियम के साथ साथ इनकम टैक्स नियमों में बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही आज से आपकी सैलरी स्लिप की डिटेल्स, 50 करोड़ से अधिक के टर्नओवर करने पर ई इनवॉइस, इंडियन पेमेंट बैंक ने अब निकासी और साथ साथ जमा करने और आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज, हेल्थ इंश्योरेंस महंगा नहीं करने के नियमों में बदलाव हो जाएगा। रोजगार के लिए विदेश जाने वालों को बिहार सरकार करेगी मदद। शिक्षा विभाग अब बिहार के ऐसे छात्रों की मदद करने वाली है जो रोजगार के लिए विदेश जाने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार रोजगार के लिए विदेश जाकर लोगों के उच्च शिक्षा से जुड़े शैक्षणिक दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए शिक्षा विभाग ने अपने एक उच्च अधिकारी को अधिकृत कर दिया है, जिसके बाद यह जिम्मेदारी शिक्षा में उपनिदेशक पर कार्यरत शाश्वतानंद झा को दे दी गई है। उनका नमूना हस्ताक्षर से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अवगत करा दिया गया है। उच्च शिक्षा में डिप्टी डायरेक्टर झा के इस नमूने हस्ताक्षर को ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय आधिकारिक तौर पर स्वीकार करेगा। बिहार के लाल को मिली फेलोशिप। बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज निवासी डॉक्टर अवनीश कुमार को साल 2020 के न्यूटन फेलोशिप के लिए चुन लिया गया है। आपको बता दें कि यह फेलोशिप विश्व के चुनिंदा होनहार और प्रतिष्ठित प्रतिभा का परिचय देने वाले शोधार्थियों को दिया गया है। आपको बता दें कि यह फेलोशिप ब्रिटिश अकेडमी, रॉयल सोसाइटी तथा अकेडमिक ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से प्रदान की जाने वाली न्यूटन इंटरनेशनल फेलोशिप दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फेलोशिप में से एक के रूप में गिना जाता है, जिसके बाद इस फेलोशिप के तहत अवनीश एडिनबरा में दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष तथा मशहूर समाजशास्त्री प्रोफेसर ह्यूगो गोरिस के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आर्थिक विचारों पर शोध करेंगे। पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के पास शोर मचाना पड़ेगा महंगा। पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा तो नहीं की गई है, मगर चुनाव आयोजित करवाए जाने को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत बिहार पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के पास लाउडस्पीकर बजाने या फिर शोर शराबा करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई जाएगी। इतना ही नहीं, मतदान केंद्र के पास किसी भी व्यक्ति को चिल्लाने की अनुमति तक नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मतदान के दिन इन नियमों को तोड़ता है तो उसे 3 महीने की सजा या जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों भरना पड़ सकता है।
आज से बिहार में कैचअप कोर्स की होगी शुरुआत। बिहार के सभी सरकारी स्कूल में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए कैचअप कोर्स की शुरुआत आज से होने वाली है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। कैचअप कोर्स के तहत विद्यार्थियों को उन कक्षाओं का विशेष पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा जिनमें उनका नामांकन 2020-21 में हुआ था, क्योंकि इस सत्र की पढ़ाई कोरोना के कारण काफी ज्यादा प्रभावित हो गई थी, जिसके बाद इस कोर्स के जरिए अब छूटे हुए सिलेबस को पूरा कराने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि आज से शुरू होने वाले इस कोर्स को जून महीने तक संचालित किया जाएगा। बिहार में लगी औद्योगिक इकाइयों से लाखों को मिलेगा रोजगार। देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में आने वाले नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के मकसद से केंद्र सरकार ने कोरोना के बीच उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 से शुरू करने वाली है, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक देखने को मिलने वाला है। यही कारण है कि पिछले 6 महीने के अंदर बिहार में कई नए यूनिट लगाए गए हैं, जिससे रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा हुए हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार उद्यम रजिस्ट्रेशन के तहत 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच सूबे में कुल 37,973 यूनिट लगे हैं। सबसे अधिक यूनिट सूक्ष्म उद्योग के कुल 37,365 लगे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 35 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है, जिसके तहत वाहन हेतु फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की समाप्ति के पश्चात विलंब के लिए ₹50 प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस ली जानी है। इसके साथ ही आपराधिक घटनाओं से संबंधित साक्ष्य की जांच को जल्द से जल्द पूरा करने तक घटनास्थल पर कम से कम समय में भ्रमण के उद्देश्य से बिहार राज्य में 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्थापना एवं पद सृजन पर कैबिनेट ने फैसला लिया है। इसके साथ ही बैठक में 5500 स्थायी पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बैठक में यह भी फैसला हुआ है कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से कर्मी की जान जाने पर उसके परिजनों को ₹30 लाख दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बाबत ₹80 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इसी महीने के अंत तक बिहार के कई जिलों में मिलेंगे ₹10 में CFL बल्ब। केंद्र सरकार ने हाल ही में गांव-गांव तक ग्राम उजाला योजना को शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत बिहार में इस योजना की शुरुआत भोजपुर जिले से हुई है। वहीं जानकारों की माने तो अब अप्रैल महीने के अंत तक चरणबद्ध तरीके से काम शुरू करते हुए पहले चरण में लगभग आधा दर्जन जिलों में इस योजना का विस्तार कर दिया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीण बिजली उपभोक्ता को ₹10 में LED बल्ब मिलने लगेगा। इसके तहत 9 और 12 वाट के 5 LED बल्ब प्रत्येक उपभोक्ता को दिए जाएंगे। अप्रैल में ही बन सकती है प्री मॉनसून की परिस्थिति। बिहार में गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते दिन बिहार के अधिकांश जिलों में उत्तर पश्चिमी हवा देखी गई। इतना ही नहीं, प्रदेश के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया, जिसके बाद उत्तर बिहार में गर्मी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसमी दशाओं में हो रहे बदलाव को देखें तो अप्रैल महीने में प्री मॉनसून की परिस्थितियां बनने की संभावना बन गई है। इस साल मार्च महीने में गर्मी सामान्य से अधिक रही है। मौसम वैज्ञानियों के मुताबिक ही उत्तर और दक्षिण बिहार के विशेषकर अधिकतम तापमान बढ़ी रही असमानता की वजह हवा का रुख है। बिहार के सभी शहरों में होगा वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल गृह। बिहार सरकार के 7वें पार्ट 2 के तहत सभी शहरों में अब वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल गृह का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने योजना पूरा करने के लिए 90 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। इस आश्रय स्थल पर सभी वर्गों के वृद्धजन रह पाएंगे, जिनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूरी निगरानी जिला स्तर पर होगी। नई योजना से वैसे वृद्धजनों को सहूलियत होगी जो अपनों और हालातों के मारे हुए हैं। सरकार की यह योजना है कि सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धजनों के आश्रय के लिए 100 बेड यानी कि 50-50 बेडों के 2 यूनिट सभी जिला मुख्यालय के अलावा अन्य अनुमंडल में 50 बेड का 1 यूनिट रहेगा, जहां वृद्धजन रह पाएंगे। यहां पर आउटसोर्सिंग से लोगों को रखा जाएगा जो आश्रय स्थल गृह के कामों की देखरेख कर सकेंगे। बिहार में जल्द ही बनेंगे 55 नए ROB। बिहार सरकार बिहार वासियों को बेहतर यातायात सर्विस देने की कोशिश में जुटी नजर आती है। इसी कड़ी में राज्य में बेहतर यातायात के लिए लगभग 55 नए ROB यानी कि रेलवे ओवरब्रिज बनाने पर सोच विचार किया जा रहा है। इनमें से लगभग 24 ROB समस्तीपुर रेल मंडल में प्रस्तावित है। मिली जानकारी के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा दरभंगा शहर बनाने का रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे सड़क मार्ग से गुजरने वालों को ट्रेन आने जाने के समय में रेलवे फाटक पर नहीं रुकना पड़ेगा। इसके साथ ही यातायात के समय में भी बचत होगी। फिलहाल सरकार की यह योजना है कि प्रमुख सड़कों पर अधिक व्यस्त रेलवे फाटकों की पहचान कर पहले चरण में उन लोगों पर ROB बनाया जाए। RRB NTPC के लिए बिहार में ही परीक्षा केंद्र बनाने के लिए लिखा गया पत्र। रेलवे जल्द ही NTPC के 6ठे चरण की परीक्षा का आयोजन करवाने वाला है। इसको लेकर अब बिहार के उम्मीदवारों ने परीक्षा के सेंटर अन्य प्रदेशों में जाने से इसका विरोध शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक परीक्षा का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसको लेकर ही बिहार में भी विभिन्न जिला मुख्यालयों में सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन राज्य के उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्र अलग होने के मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की है, जिसके बाद इन अभ्यर्थियों ने रेल मंत्रालय के नाम पर एक
पत्र जारी किया और कहा है कि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में दूसरे प्रदेश में परीक्षा केंद्र देने की परेशानी होगी, इससे कोरोना संक्रमण का खतरा भी बना रहेगा। बिहार में पीएम स्वनिधि योजना में अटके पड़े हैं 17,000 से ज्यादा आवेदन। केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायियों को ऋण देने के लिए विशेष योजना की शुरुआत की है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 रुपए ऋण देने की योजना पर काम हो रहा है, लेकिन तकनीकी कमियों के कारण बिहार के खोमचे या फिर ठेले वाले स्ट्रीट वेंडर का ऋण देने के लिए विशेष योजना शुरू होने वाली है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 रुपए ऋण देने की योजना है, लेकिन तकनीकी कमियों और विभागीय स्तर पर अनदेखी के कारण ही बिहार के 17,000 से ज्यादा आवेदन बैंकों में लंबित पड़े हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत राज्य में अब तक बैंकों ने 18,700 वेंडरों का ऋण स्वीकृत किया है। बोर्ड को भेजी गई मैट्रिक कॉपी जांच की रिपोर्ट। इंटर परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं, जिसके बाद अब सभी छात्र मैट्रिक परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद हाल ही में साझा की गई जानकारी के अनुसार मैट्रिक के कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा हो गया है। इतना ही नहीं, मूल्यांकन रिपोर्ट भी पटना भेज दी गई है, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि शीघ्र ही मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा का परिणाम इस बार काफी पहले आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के माहौल में इस बार परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में करवाया गया था। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी क्रम में बीते दिन एक बार फिर से शराबबंदी के मामले को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि शब्द नहीं है, क्या कहूं, शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से एक दिन में ही 8 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री जी को आंकड़ों तथ्यों के साथ शराबबंदी की यथास्थिति से अवगत कराते हैं तो वो गुस्सा जाते हैं, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हैं तो वो भ्रष्ट बाबुओं के संरक्षण बन जाते हैं। सत्ता संरक्षण में शराबबंदी के नाम पर बिहार में एक समानांतर काली अर्थव्यवस्था चल रही है। चावल और गेहूं वितरण में बिहार के इस जिले ने मारी बाजी। चावल और गेहूं के वितरण के मामले में वित्त वर्ष 2020-21 में फरवरी और मार्च महीने में कैमूर जिले ने बाजी मारी है। मिली जानकारी के अनुसार वितरण के मामले में कैमूर जिले को 96.23% अंक प्राप्त हुआ है, जबकि राज्य के वितरक प्राप्तांक की बात करें तो यह 92.24 रहा। जानकारों की माने तो कैमूर लगातार छठी बार वितरण के मामले में पहले स्थान पर आया है। फरवरी और मार्च महीने में कुल मिलाकर 11,224 MT की आपूर्ति की गई है। कोरोना के माहौल में लगे लॉकडाउन में भी आपूर्ति विभाग लगातार बेहतरीन काम कर रहा था। रंग लगे नोट को लेकर बैंक ने दी राहत। अक्सर रंग लगे नोट बाजार में कई दुकानदार लेने से इनकार कर देते हैं, लेकिन अब आपको रंग लगे नोट के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी कारणवश आपके नोट पर रंग लग गया है तो ऐसे नोट को आप आसानी से बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं, जिसके बाद ही खबरों की माने तो सार्वजनिक बैंक हो या प्राइवेट बैंक इन रुपयों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा रिजर्व बैंक के एक्सचेंज काउंटर से भी नोट बदले जा सकते हैं। इसके लिए आधार नंबर की फोटोकॉपी प्रस्तुत करना होगा। रिजर्व बैंक ने रुपए बदलने से जुड़े नियमों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। आज से ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही बनेगा दिव्यांगों का UDID कार्ड। आज से नए महीने की शुरुआत हो गई है, साथ ही आज से दिव्यांगों के लिए बनाए जा रहे UDID कार्ड को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है, जिसके तहत आज से राज्य के दिव्यांगजनों का विशिष्ट पहचान पत्र का निर्माण 1 अप्रैल के बाद से ऑनलाइन सत्यापित दिव्यांगता प्रमाण पत्र के बाद ही मान्य होगा। ऑफलाइन आवेदन के आधार पर UDID कार्ड का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसके लिए दिव्यांगजनों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है मानी जाती है। 1839 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 20 बिस्तर के साथ आज के दिन शुरू किया। 1869 में आयकर की शुरुआत आज के दिन की गई। 1869 में एक नया तलाक कानून अस्तित्व में आया। 1878 में कोलकाता संग्रहालय को उसकी मौजूदा इमारत से जनता के लिए आज के दिन खोला गया था। 1882 में डाक बचत बैंक प्रणाली की शुरुआत आज के दिन हुई। 1889 में हिंदू का दैनिक अखबार के तौर पर प्रकाशन आज के दिन शुरू हुआ। 20 सितंबर 1888 से प्रकाशित इस अखबार को अब एक तक साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा था। 1912 में भारत की राजधानी को औपचारिक रूप से कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 1930 में आज के दिन विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी।
जडेजा ने इस खिलाड़ी को बताया जसप्रीत बुमराह का विकल्प। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी ने हाल ही में भारतीय टीम के खिलाड़ी को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने जसप्रीत बुमराह के विकल्प के तौर पर इस खिलाड़ी के नाम का जिक्र किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 3 वनडे मैच की सीरीज में भुवनेश्वर कुमार ने जसप्रीत बुमराह की कमी नहीं खलने दी। उन्होंने बुमराह की गैर मौजूदगी में उनकी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भुवनेश्वर कुमार ने चोट के बाद शानदार वापसी करते हुए वर्ल्ड की नंबर 1 टीम के खिलाफ भारत की पेस अटैक का नेतृत्व किया था। ट्विटर ने रोल किया ऑडियो मैसेज फीचर। आज के समय में ट्विटर यूजर की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके तहत ट्विटर भी समय समय पर नए नए फीचर्स को रोल करता आया है। इसी क्रम में अब ट्विटर ने एक और नए फीचर को रोल किया है, जिसके तहत अब यूजर ट्विटर पर ऑडियो मैसेज भी आसानी से भेज सकते हैं। इस बाबत ट्विटर ने अपना बयान जारी करते हुए बताया है कि कंपनी ने भारतीय यूजर के लिए डायरेक्ट मैसेज में वॉइस मैसेज का सपोर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग जारी है, जो धीरे धीरे यूजर तक पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि भारत से पहले ट्विटर ने यह फीचर ब्राजील और जापान में जारी किया था, यानी कि ट्विटर पर इस सुविधा को पाने वाला भारत तीसरा देश है। अनुष्का शर्मा ने की काम पर वापसी। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हाल ही में मां बनी है। वही अनुष्का अब अपने शॉर्ट ब्रेक के बाद काम पर वापसी कर चुकी है। आपको याद दिला दें कि अनुष्का अपने प्रेगनेंसी के दौरान भी लगातार काम कर रही थी, जिसके बाद अब अनुष्का एक बार फिर से काम पर वापसी कर चुकी है। बच्ची के जन्म के बाद करीब 2 महीने रेस्ट करके अनुष्का अब अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पर लौट चुकी है। अनुष्का की तस्वीर वायरल हो रही है, वही एंडोर्समेंट शूट के लिए काम पर लौटी है। अनुष्का की तस्वीरों पर लोग तरह तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं। पटना में फास्टैग लगे वाहनों से ज्यादा हो रही है वसूली। पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा से गुजरने वाले फास्टैग कार्ड धारक वाहनों और इनसे प्राप्त होने वाले राजस्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की योजनाबद्ध पहल से दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगभग 84% वाहन में फास्टैग लग चुका है। टोल प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि लॉकडाउन से पहले यानी कि 15 फरवरी से 15 मार्च 2020 के बीच पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा से फास्टैग कार्ड लगे वाहनों से प्रतिदिन लगभग 10 लाख रुपए राजस्व वसूली होता था, लेकिन अब फास्टैग कार्ड लगे वाहनों से प्रतिदिन 22 से 23 लाख रुपए राजस्व प्राप्त होता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गजेंद्र सिंह, अब्दुल कुदूस, मनीष कुमार, राकेश कुमार, कुमार कुमार, पूनम देवी, रविन्द्र पासवान, शंकर मुखिया, राजन प्रसाद, मोहम्मद बादशाह, पूनम देवी, पप्पू कुमार, निशांत कुमार, करण यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार का शराबबंदी का फैसला सही था या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।